242,000 की बाइक लेकर आकाश आए हैं हमको लेने। आकाश एक यूट्यूबर है, लगता होगा कि यह काम बहुत खराब है बहुत अच्छा है, लेकिन आकाश ने कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और यूट्यूब की दुनिया में सिल्वर क्रिएटर अवार्ड तो आ ही गया है। अगर देखा जाए तो आकाश अभी ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थी हैं, कुछ 60 मूवी भी बनाते हैं और इस इलाके में देखा जाए तो सबसे अच्छी बाइक इन्हीं की है। यह है जावा, पहले HD जावा चलती थी और उसको घुमाने में पूरा ऐसे काफी राउंड लेकर के घूमती थी, ऐसे था। जावा थी, बुलेट थी, राजदूत थी, इन मोटरसाइकिलों को लोग काफी पसंद करते थे। बाद के दिनों में यामाहा आई और भी बहुत से मोटरसाइकिल रहे होंगे। अब आकाश की इस बाइक पर हम बैठेंगे और आकाश से बात भी करेंगे, आपको दिखवाएंगे, आपको बताएंगे, सोचने के लिए युवाओं को विवश कर देंगे, जिनको यह कहना काफी आसान लगता है कि कोई धंधा व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। कुँ। 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 बोलिए अब मैं थक गया, अब जीत इसकी हो गई, और तेज बोल रही है, इनका प्रतिक्रियात्मक स्वभाव है। देखिए हमारे पीछे पिताजी हमारे जिंदा है, जीवित है, और उन्होंने जो पीपल पाकड़ बरगद यानी हरी शंकरी लगाया था वह एक विशाल रूप धारण कर रहा है और हम नीम के नीचे हैं। नीम भी प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण है, अगर मैं मुझे चोट लगती है तो मैं इसका वह छाल निकाल करके पत्थर पर घिस करके उसे लगा देता हूँ। इधर गौ माता है, गौ माता अब देसी नहीं रह गई, देसी चली गई, विदेशी आ गई है, जल्दी ही जाएंगी और यहाँ कोई और गाय आएगी। तो दोस्तों अब हम आकाश से मिलवाएंगे और आकाश के साथ आज बैठ करके हम यात्रा भी करेंगे, तो आकाश से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आकाश सामान्य परिवार के हैं और चलिए अब प्रमोद जी को मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के वीडियो बनाएं। आकाश बाबू की जय हो, जिंदाबाद। ये है आकाश गुप्ता। कितने सब्सक्राइबर तुम्हारे एक चैनल पर हैं? जी हमारे 1,80,000 सब्सक्राइबर। 1,80,000 और एक पर? वो अभी मतलब बिजनेस रिलेटेड है हमारे। बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब आकाश ऐसा करते हैं कि जैसे प्रमोशन का जिनको होता है तो उनसे संपर्क करके अगर किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना होता है तो मेरे जैसे क्रिएटर से संपर्क, लेकिन हमारा एक भी प्रमोशन कराए नहीं अभी। होगा होगा, वही तो इसीलिए तो आज वार्तालाप होगी। तो दोस्तों प्रमोशन करना भी गुनाह नहीं, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो उसे बताना चाहिए, उसमें शुभ लाभ मिलता है, 10 पैसा जो शुभ लाभ है उसमें कोई बुरे ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आप तो प्रचार करने लगे, प्रचार करने, अभी किस वीडियो पर कहा था कि प्रचार करने लगे, अभी गंगा का मैंने किया था, हमने कहा इसमें कौन सा प्रचार है बेटा, ऐसे लोग कहते हैं। आइए बाइक पर चलते हैं आकाश, यह बाइक है, उधर जा जाओ। हेलमेट? हाँ हेलमेट ले आओ, पहले हेलमेट ले आओ। अब आकाश अगर हो सकता है हेलमेट न लगाता हो, लेकिन मेरे डर से हेलमेट लगा लिया है, सही बात है? नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। अच्छा वैसे भी हमारा भय तो होगा ही। आकाश हंसराजपुर के हैं और भी कुछ मूवी भी बनाए हो, अभी बात कर लो, आओ उतर लो फिर चलते हैं। आकाश कुछ मूवी भी बनाए हैं, कौन कौन सी मूवी है, हेलमेट निकालो। तुम्हें दोस्ती पे शॉर्ट्स मूवी हम लोगों ने बनाए थे। हाँ। उस टाइम हमारा कैटेगरी अलग था, शॉर्ट्स मूवी पे रिलेटेड था। हाँ। अभी कॉमेडीज रिलेटेड है। अच्छा जी, तो अभी पार्ट टाइम तो यूट्यूब है अपना, लेकिन अपना बिजनेस फुल टाइम। बिजनेस फुल टाइम और पार्ट टाइम यूट्यूब, उसका ऑफिस वगैरह बन रहा है। अच्छा ऑफिस ऑफिस, आकाश ने अपनी मेहनत से घर भी बनवाया, ऑफिस भी अच्छा बनवाया, उसमें AC लगवाया, अच्छा सोफा वोफा भी लगवाया, और आकाश के यहाँ मैं जाता भी रहता हूँ। पहले ये सब शर्माते थे हमसे कि कैसे बात करेंगे, बड़े क्रिएटर हैं, बड़ी उम्र के हैं, ऐसा ही था ना? अब ऐसा नहीं लगता है ना, पहले डर लगता था, अब क्लोज हो गए। तो ऐसा ही है। तो आकाश कैसे मन में आया कि चैनल का नाम पहले बताओ, लोग जानना भी चाहेंगे। चैनल का नाम है आकाश गुप्ता।
आकाश गुप्ता के नाम से ही है। तो कैसे मन में आया चैनल बनाने का? उस समय तुम 11वीं के छात्र थे कि किस क्लास में थे? उस टाइम हम 9वीं के छात्र थे। 9वीं के छात्र थे, 9वीं क्लास में यह मन में आया कि हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो चैनल बना लिए जी। पहले से पता नहीं था कि ऐसी अर्निंग वगैरह होता है। हाँ। तो जैसे लोगों से कांटेक्ट करते करते, सर्च करते करते पता चला। हाँ। तो फिर पहले हम लोग हॉबी के लिए बनाते थे, अपने खुशी के लिए। हाँ। बट लोगों का मतलब प्रोत्साहन आने लगा, तो फिर और दिल करने लगा बनाने का। हाँ। तो फिर कुछ इनकम भी होने लगा, तो घर वालों को यही चाहिए कि अगर बच्चा कहीं किसी फील्ड में काम कर रहा है तो उससे उसका इनकम सोर्स। अच्छा, पहले क्या करते थे? अब तो तुम्हारा मान सम्मान इस मार्केट में काफी अच्छा हो गया, मैंने रामलीला में देखा और दुर्गा पूजा में देखा, सब आकाश आकाश कर रहे थे। पहले उनको कैसा लगा जब ये सब लेकर के निकलते थे और कुछ करते थे तो? जी पहले मतलब कि जैसे गाँव में एक दुकान होती है, सबको पता होता है कि ये दुकान है, किराना की दुकान है। हाँ। तो ये सबको पता है कि यहीं से इतना इनकम सोर्स है, ऐसे है। बट ये फील्ड पहले लोगों को कुछ पता नहीं था कि इतना बड़ा ये फील्ड है और इसका जो मतलब एम है काफी ऊपर तक जाता है, तो पागल वगैरह लोग समझते थे कि ये। दोस्तों अभी आकाश स्टार्ट भी करेंगे और हम बैठेंगे और इनके घर तक, स्थानीय मार्केट तक जाएंगे। तो अब इसे भी आप देखिएगा एक बार, चारों तरफ से इसे दिखा देते हैं। आकाश, इसको क्या बोलते हैं, क्या है? ये मोबाइल होल्डर है। अच्छा, फोन मोबाइल होल्डर है। एक बार हटाओ इसको। यह है, यह कितना खुराक इसका है? इसमें 18 लीटर पेट्रोल, 18 लीटर खुराक का धारक है यह। और कितना सीसी का है इंजन इसका? ये 299 सीसी का। एक बार इधर से प्रमोद जी, इधर से दिखाइए। ये टायर तो अन्य उससे मोटा है कुछ ना? ट्यूबलेस। अच्छा, ट्यूबलेस है, लेकिन उससे ज्यादा मोटा है जो अन्य सामान्य जो बाइक आते हैं उससे अधिक मोटा है, पुराने जमाने का जो बाइक। अच्छा, अगर अगर मान लो तुम्हारी बाइक खो जाती है, तुमने कुछ इसमें चिप उप लगाया है, कुछ ऐसा किया है कि नहीं? वैसा तो कुछ किया नहीं है, बट ये जावा टीम खोज के देगी ऐसे। अच्छा, उन्होंने ऐसा वादा किया है 3 साल के अंदर में। हाँ। अगर ये गुम भी हो जाती है तो वो पूरा उसको रिसर्च करके खोज के पूरे लोग कहीं से खोज लेंगे। हाँ। अच्छा, ये बात है, जावा अगर ये खो जाती है तो जावा का दावा है कि हम इसे, तो बड़ा भारी है जी, इसका लॉक खोलो। अब दोस्तों हम लॉक है, लॉक है। अच्छा चलो, और दूसरी चीज की साइलेंसर दोनों तरफ है, और क्या खास है बुलेट से और इसमें अन्य क्या खास है? जो टॉप मॉडल बुलेट का है वो अभी इतने में ही आएगा लगभग। हाँ। और ये अभी इतने में ही जी, इसमें डबल साइलेंसर है। हाँ। और ये वाटर कूलिंग इसका है इसमें। अच्छा। और डबल ABS है, अगर कितनी भी स्पीड में अगर ब्रेक मारे तो ये फिसलती नहीं है, डबल ABS है दोनों। अच्छा, कितने स्पीड में चलाते हो? लास्ट मतलब सबसे हाई स्पीड कब? हम कभी चलाते नहीं, हम घर पे रहते हैं तो मतलब हमारा मैक्सिमम स्पीड 50-60 बस मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, कितना खाती है ये एवरेज इसका? 38 की माइलेज है, बट ये 35 मान के चलिए, 35 दे देती है। बोलिए। हाँ, वाह वाह। देखिए अब इधर कौवा लोगों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कोयल उधर बोल रही है, दिखाइए प्रमोद जी, आइए देखिए। देखिए कोयल को आप देख रहे हैं यहां से, और इधर कौवा जी लोग हैं और अन्य चिड़िया भी हैं। तो पिताजी हमारे जीवित हैं और इन वृक्षों के माध्यम से उन्हें आप देख सकते हैं। यह देखिए, आप फल भी लगे हुए हैं, और इसे चुन चुन करके देखिए, इस पर पक्षियां बैठी हुई हैं। यह गेस्ट हाउस है, अतिथि गृह है। देखिए है ना मजेदार, मैं भी कभी कभी खाता हूं, लेकिन अब इनका आहार है, इनके आहार को नहीं छीनना है। तो दोस्तों अब हम इसकी सवारी करने जा रहे हैं, आकाश चलाएगा, मैं बैठूंगा। जाते जाते देखिए, लव यू हो रहा है। कौवा बोल रहे हैं क्या?
अब देखिए इसीलिए दोस्तों बताता हूँ कि जीवन में मतलब दुनिया का मैं सबसे धनी इंसान हूँ, उन्हीं धनी लोगों में से सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। तो पूरे देश में घूम करके आता हूँ, लेकिन जितना आनंद मुझे यहाँ मिलता है वो आनंद नहीं मिल पाता। थोड़ा सा स्टार्ट करके एक बार देखते हैं और यहीं से घुमा के फिर यहाँ ले आओ। हाँ यहीं से घुमा के फिर देखे जा रहा हूं तो और तेज तेज बोलेंगी। तो दोस्तों यह काम आसान नहीं है YouTube चैनल बनाना। YouTube चैनल बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन चरणबद्ध ढंग से उसे आगे ले जाना, पढ़ना लिखना, मेहनत करके वीडियो करना, यह मुश्किल काम है। बहुत से लोग पूछते हैं सर हम भी चाहते हैं कैसे बनाना है, तो उन बहुत गुस्सा आता है। अरे सब जानते हो, पहले बना के बात करो ना, पहले बना के बात करो कि यह टेक्निकल दिक्कत है क्यों। तो जो अच्छा पहले और पूछेंगे आकाश, यह पूछते हैं गुरु जी कितनी कमाई हो जाती है जी। महीने में कितना आ जाता है। ऐसे निकम्मे लोग तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो पहले यह सोच लेंगे कि मेहनत करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, तो जो इस प्रकार का सोच रहे हैं उन्हें कोई और धंधा व्यवसाय करना चाहिए। और जिनके पास कापी किताब डायरी और वह सब कागज कलम हो जिनके पास, वह इस बारे में विचार करें। जैसे अगर नहीं रखा है उन्होंने लिखने के लिए तो फिर यह विचार छोड़ देना चाहिए। शुभकामना काश बेटा, चलो स्टार्ट करो। घुमा के ले आओ। अरे जल्दी आऊंगा जी, जल्दी आऊंगा फिर। अब देखिए इनका यह है, प्यार जता रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद बाबू की जय हो, बंद करिए।